महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 24 सितंबर को छात्र संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव होना है, जिसके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 4 पदों के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद पर 2, महामंत्री पद के लिए 2 और पुस्तकालय मंत्री के लिए 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MGPG कॉलेज के चुनाव अधिकारी डॉ. उमेश गुप्ता ने बताया कि छात्र संघ की नई कार्यकारिणी के लिए 24 सितंबर को मतदान होना है, जो 2 बजे तक चलेगा और उसी दिन मतगणना कराकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर अमरनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। संघ चुनाव सत्र 2018-19 का होना है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया इसकी 18 तारीख को थी जो हो गई, जिसमें अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी हैं और उपाध्यक्ष के 2, महामंत्री के 2 और पुस्तकालय मंत्री के 2 प्रत्याशी। शांति पूर्वक हमारे वहाँ बच्चों ने पर्चा दाखिला अपना किया और जितने बच्चों ने पर्चा अपना दाखिला किया, सारे के सारे बच्चों का पर्चा वैध पाया गया और 4 बजे इनके नाम की घोषणा कर दी गई। कब मतदान हो रहा है? इस मतदान का 24 तारीख को मतदान है और 2 बजे तक मतदान होगा और 24 तारीख को ही शाम तक रिजल्ट हम लोग घोषित कर देंगे। कौन कौन प्रत्याशी मैदान में? अध्यक्ष के लिए हमारे पास 3 प्रत्याशी हैं, तेजस शुक्ला, साक्षी पांडे और सुशील कुमार यादव। उसके बाद उपाध्यक्ष के 2 प्रत्याशी हैं, सुब्रत पांडे और आकाशदीप सिंह। महामंत्री के लिए भी 2 प्रत्याशी हैं, राजीव कुमार श्रीवास्तव और मुकेश चौरसिया। पुस्तकालय मंत्री के लिए 2 प्रत्याशी हैं, विपुल मद्देसिया और निकेत पांडे। 24 को मतदान होगा और बच्चों में उत्साह का माहौल है, ये तो आप लोग देखे ही होंगे। साइंस कॉलेज है, बच्चे डिसिप्लिन में हैं और हमारे वहाँ जो भी इलेक्शन हुआ है कभी भी, तो बच्चों ने पूरा सहयोग दिया है और हम लोग हमेशा बच्चों के साथ ही हैं और हम लोग की आशा भी है कि बच्चे पूरा हम लोग के इस कार्यक्रम में साथ देंगे।